हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेक्चर 8 में हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम डिटेल में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.2.2 हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने अपने एनवायरमेंट में अडेप्टेड होते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन बताऊं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो वो ये है, वो न्यूट्रिशन जो कि अपना खाना खुद ना बना के दूसरों से अपना खाना ऑब्टेन करे, उसको हम कहते हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटीरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as a deer would allow the difference in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. So, form of nutrition differ karta hai different type of animals pe. Agar hum cow ki baat karte hain to wo grass khata hai. अगर हम लाइन की बात करते हैं तो वो डियर खाता है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसी हिसाब से बना हुआ है। अब एनसीईआरटी में इसके बाद टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है, लेकिन जो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं वो उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये नोट से करवा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। A heterotrophic organism can obtain its food from other organisms in three ways. So, the heterotrophic mode of nutrition is of three ways. First one is septotrophic nutrition, the other one is parasitic nutrition, and lastly, holozoic nutrition. अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ये actual में होते क्या है। तो septotrophic nutrition, the organism having saprotrophic mode of nutrition are called saprophytes. Saprophytes are the organism which obtain their food from dead plants ya fir dead and decaying animal bodies and other decaying organic matter like rotten bread. To saprotrophic nutrition kya nutrition hai, jab koi ek organism apna jo food hai wo dead plant, dead animal या डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है, उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट एटसेट्रा। अब इसके आगे हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आप लोग यहां पढ़ेंगे, the parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism called its host without killing it. Parasitic nutrition ki agar hum baat karte hain to ye ek aisa sa nutrition hai jisme organism jisko ki hum parasite bolte hain, jo wo organism hai wo apna food kisi aur ki body se derive karta hai, और वो जो कोई और ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे होस्ट, लेकिन ये उसको किल नहीं करता है, ये सिर्फ उसको हार्म पहुंचाता है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी प्लांट और एन एनिमल, विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। अ पैरासाइट रिसीव्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट बट गिव्स नो बेनिफिट टू द होस्ट इन रिटर्न। अ पैरासाइट यूजुअली हार्म्स द होस्ट। जो पैरासाइट होता है वो दूसरे से अपना फूड तो ले लेता है, लेकिन इन रिटर्न उसको कोई बेनिफिट नहीं देता बल्कि उसको हार्म ही करता है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है आपके पास डॉडर एंड रेफलेशिया। नाउ द नेक्स्ट न्यूट्रिशन वी हैव इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। The holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion. Holozoic nutrition एक वो nutrition है जिसमें के organisms जो होते हैं वो complex organic food material को अपनी body के अंदर लेते हैं through the process of ingestion. Ingestion का मतलब अपने अंदर पूरा का पूरा जो food है उसको feed करना,
अपने माउथ के अंदर उसको डाल देना. द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब इन टू द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन. मैन, कैट, डॉग, केटल, फ्रॉग, फिश एंड अमीबा एटसेट्रा हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ये एक छोटा सा पार्ट था आपके हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. अब इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमीबा एंड पैरामीशियम अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.